सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। स्वामी प्रसाद की बर्खास्तगी और सजा की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी बीच अखिलेश ने उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया तो स्वामी प्रसाद के साथ साथ अखिलेश भी विरोधियों के निशाने पर आ गए। ये दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को लेकर के 2022 का भी चुनाव लड़े हैं और सरकार नहीं बनी। अब जब फिर दाव लगाए कि अब यहाँ दाव नहीं मिलने वाला, अगला दाव लगा लें, गए वहाँ तो वहाँ दवे नहीं लगा, चुनौवे बेचारे हार गए, सरकारों नहीं बनी। तो अब 10 महीना कोई नाम नहीं लेने वाला मिला तो सोचे कि कुछ पलूले जलूल शुरू करें तो कोई जन्मे करे। सोमवार को गाजीपुर पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी का महासचिव बनाए जाने पर बयान देते हुए कहा कि अखिलेश यादव दगे कारतूस इकट्ठा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को लेकर 2022 चुनाव लड़े थे और हार गए। ये दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को लेकर के 2022 का भी चुनाव लड़े हैं और सरकार नहीं बनी और खुद वो चुनाव हार गए। राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीएसपी में थे तो रामायण की चौपाही दोहे गड़बड़ नहीं थी, अब जब सपा में आ गए तो स्वामी प्रसाद रामम शरणम गच्छामी हो गए, राम ग्रंथ पर माला फूल चढ़ाने लगे, बेटी को सांसद बनाया, खुद मंत्री बन गए। ये सत्ता लोलुप लोग हैं। ये सत्ता के लोलुप्त लोग पाला बदले खट से, पहले तो बहुजन समाज पार्टी में थे तब दिखाई नहीं दिया कि रामायण की चौपाई दोहा ग्रंथ गड़बड़ है, फिर उसके बाद रामम शरणम गच्छामी, राम की शरण में चले गए, तब वही राम ग्रंथ पर माला फूल चढ़ाने लगे बेचारे। 5 साल बेटी को अपने सांसद भी बना लिया, अपना मंत्री बन गए, तब वो नहीं दिखाई दिया। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव किस धर्म को मानते हैं, अखिलेश सनातन धर्म नहीं मानते तो पूजा करने कहां जा रहे थे। अखिलेश यादव पर बरसते हुए राजभर बोले कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो सब धर्म मानती है। किस धर्म को मानते हैं, जब सत्ता में रहते हैं तब मानते हैं, जब मुख्यमंत्री थे तब मान रहे थे, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है तब सब धर्म मानती है, अब मानती नहीं है तो पूजा करने कहाँ जा रहे थे। अभी हमने देखा कि कोई काला झंडा उंडा दिखा रहा था तो जा कहाँ रहे थे पूजवा करने, मस्जिद में जा रहे थे कि गुरुद्वारा में कि वहाँ चर्च में जा रहे थे, सनातन धर्म को नहीं मानते तो कहाँ जा रहे थे। श्री रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विरोधियों के निशाने पर है। बीजेपी बीएसपी से लेकर तमाम हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन सबके बीच अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद पार्टी महासचिव बनाकर आग में घी डालने का काम किया है।